के उस रात में तीन तीन पत्ते, चार चार पत्ते धो के आधी आधी प्याले में दोनों के लिए अलग अलग भिगो दो। भिगो के तुमने रख देना है रात में, सुबह वो पानी पी लें और एक एक पत्ता चबाना चाहें चबा लें। ब्लड प्रेशर के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। दूसरी रहा डायबिटिक, तो डायबिटिक का होता है तो तुम एक काम करना कि रोज़ाना ना मस्टर्ड पाउडर होता है, मस्टर्ड पाउडर जो हम अक्सर सैलड वगैरह में डालते हैं, स्टेक्स में डालते हैं, वो डिब्बा मिलता है पीले रंग का, एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर रात में प्लास्टिक के दो टब ले लो और दोनों में एक एक चाय का चम्मच डाल के अपने अम्मी अब्बा का पैर उसमें डिप करवाओ। डिप करवा के तुमने उसको पोछा और कुशन के ऊपर रखो, नीचे नहीं रखो, बराबर नहीं रहें, ज़रा पैर ऊपर रहें, इंशाल्लाह बहुत ठीक होगा। और थोड़े थोड़े कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा प्याज का जूस लगा दो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जलन भी, सर का दर्द भी, हाई ब्लड प्रेशर में सर का दर्द भी होता है। तो ये कि कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ लगाना है, लगा के फिर धो लें और तलवों पे लगा लें, तलवों पे लगा लें, बेस्ट चीज़ है। कितना आसान है, आप ये कर लें और फिर रिलैक्स भी रहेंगे दोनों अम्मी अब्बू के लिए, आप ये ज़रूर कर लें। अच्छा देखो, इसमें हमने चार जवे लहसुन के बारीक कटे हुए, ये हमने चावलों के लिए, ठीक है, ये लहसुन डाला ऑयल में, अब आप इसको रेडी करते हैं। शरीफाना। अच्छा आपा, हिना तनवीर है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम आपा या नबील। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें, खुश रहें। अच्छा आपा, वो ये कह रही हैं कि आपकी कल वो बेसिकली आप रेसिपी बताई थी चिकन कबाब की, जिसमें आपने कहा था बाइले भी है, ओस भी है, तो उनको सुन के बड़ी अच्छी लगी, तो कह रही है कोई रीकैप हो सकता है या हम कोशिश करें उसको रिपीट कर ले, रेसिपी को रिपीट कर ला देते हैं, बोल देते हैं हाँ कि वो रेसिपी जो जिस दिन बनी थी, फ्राई चिकन कटलेट्स उनका नाम है, वो रिपीट करा लें ताकि अच्छी तरह देख सब देख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसकी फरमाइश करने लग गए हैं, और अगर जिन्होंने नहीं फ्राई किया, अब ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जाएगा इसके अंदर जैसे ही लहसुन ब्राउन हो। वैसे मेरी किताब यहाँ है, तुम ऊपर से मंगवा लो, मैं पूरी बता देती हूँ जुबान, ठीक है। अब आपा की बुक भी प्लीज मंगवा दें, अब यहाँ पर ही है, ठीक है, ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। अच्छा आपा घर में करें तो 30 मिनट जितनी मर्जी आए जितनी देर कर लें, ठीक है। और ये ड्राई चिकन, चीनी नहीं आई, मैं चीनी डाल लेते हैं इसमें, क्या नहीं आई है, चीनी नहीं आई ना, चिली हाँ चीनी चीनी चीनी, अच्छा मैंने कहा चिली तो आपका ग्रीन नज़र आ रही है वहाँ पर, चीनी आ गई है, पीसेस जो हैं वो भी आ गए हैं, पीसेस का इंतज़ार था। आप सुकून का सांस लें और आप देखें आपा के मुँह पर क्या खुशी आई है, ये सिर्फ पीसेस आने पर इतनी खुशी आई है आपा। ये वैसे एक शेफ के लिए, क्योंकि एक फर्ड के लिए यही होता है, उनको खाने को देखकर ही खुशी होती है, चीज़ें पूरी होनी चाहिए, सांस आ गई भाई। अच्छा इसको मैं, अच्छा पता नहीं ये पहली दफ़ा हुआ है कराची में कि पीसेस नहीं मिलते, हाँ मैंने ही मिल जाते हैं, पर 100 दुकानें तकरीबन 50 दुकानें मैंने देखी होंगी, हर स्टॉप पर गई, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, पीसेस हैं नहीं, पीसेस हैं नहीं, फिर एक वो बेकरी है उस पर एक है, वो भी यहाँ के बाहर के में। अच्छा अच्छा चलें, फिर भी ये पीसेस कसन फाइनली मिल गया है और आ गया है। आप और चिकन देना, थैंक गॉड। अच्छा चीनी हमने डाली 1 टीस्पून, हाँ ठीक है, तो आज चीनी से कैरमल बन जाता है ना अच्छा सा, और कोई बात नहीं। अच्छा और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ पुडिंग वाली चीज़ें ताकि आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। ऑल राइट आपा, हम जाएंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है, ठीक है। ये चिकन जो बन रही है यहाँ पर, ड्राई चिली जो है, ड्राई चिकन चिलीज जो बन रही है, इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, अच्छे से खुशबू के साथ आपा इसको फ्राई करती जा रही हैं, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, फिर चिलीज कब डालनी है क्या होगा वो हम आपा जी से पूछेंगे, अभी तो चलें आप ये देखें। यहाँ पर एंट्रीज जमा होती गई हैं, फाइनली एंट्रीज जमा हो गई हैं, और ये है मसाला का हंगामा कूपन के इतने सारे प्राइजेज जो यहाँ पर रखे हैं, ये आपको मिल सकते हैं सिंपली अभी जब लकी ड्रॉ होगा, और उसके साथ हम बताएंगे कि किसने विन किया है। ये फूड प्रोसेसर है, उसके साथ मसाला गिफ्ट हैम्पर है, जो गिफ्ट बॉक्स है, और उसके साथ मैगजीन है, डीवीडी है आपा, और फाइनली हमने डीवीडी अपनी देखी है। चले हम किसके घर में पहुँचते हैं देखें, हाँ किसके घर में हम पहुँच रहे हैं ये भी तो देखना है, और सेकेंड विनर जो होगा उन्हें जाएंगे ये मसाला की डीवीडी भी है, और इसके साथ साथ वीट पॉइंट का ब्लेंडर है, और साथ में मसाला, ये तो गा नहीं सकते आप लोगों के सामने, बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया,
क्या बात है आपा, जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये देखें क्या आपा रसी गाना कितना मजेदार आपा ने सुनाया है, इसके लिए फिट है बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये मसाला हंगामा है, ये गिफ्ट बॉक्सेस आपको मिल सकते हैं, ये साथ में जो गिफ्ट हैं ये आपको मिल सकते हैं अभी जब थोड़ी ही देर में आपा के हाथों से निकलवाएंगे ये कि कौन है विनर। दो लोग होंगे जो ये ले जाएंगे और 5 मैगजीन के विनर्स होंगे। आपने फिलहाल सवाल का जवाब देना और बताना है कि जो वो है केक का जो स्पंज होता है वो किस चीज़ से बनता है, वो मैदे से बनता है या बेसन से बनता है। 888 से जल्दी जल्दी बताएं। अब कॉल्स भी लेंगे, मज़ेदार खुशबू तो आ रही है खानों की, ये भी जानना है, फिर पढ़ेंगे वो भी जानेंगे, और फिर जूसेस एंड नेक्स्ट का मज़ेदार ड्रिंक भी बाकी, अभी तो बहुत कुछ है। देखते रहिए प्रोग्राम, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। पाइनएप्पल फ्राइड राइस अज्जा, चावल 2 प्याली, चिकन बोनलेस बोटी 8 से 10, पाइनएप्पल क्यूब्स 1 टिन, बारीक कटी हरी प्याज के पत्ते 1 प्याली, शिमला मिर्च बारीक कटी, गाजर 2 अदद। प्रोग्राम हाँ जी, जहाँ पर मजेदार रेसिपीज बन रही हैं और आज आप गिफ्ट्स भी देख रहे हैं ढेर सारे जो आप लोगों को मिलेंगे आज के प्रोग्राम में। बस थोड़ी ही देर का इंतजार और फिर आपको मिल सकते हैं। पर सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपने बताना है कि केक का जो स्पंज है उसको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मैदे की या फिर बेसन की। जो आपको गिफ्ट नजर आ रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग SMS भी कीजिएगा। और साथ में मैं ईमेल देख रही थी, तस्मिया की ईमेल आई है, प्रोग्राम की भी ताज़ा तारीफ कर रही हूँ और आपा की रेसिपीज भी ट्राई कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जीते रहो जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह मियाँ खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा आपा, हमने ब्रेक में तो चूल्हा उसका ऑफ कर दिया, चिकन का हो गया, ये देखें ये हो गया, क्या जबरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम थोड़ी सी सोया सॉस हम चावलों के लिए भी रखेंगे, थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं। ये ड्राई चिकन चिलीज के लिए ही थोड़े से ऑयल में आपा ने चिलीज डाल दी, सारे डाल दिया, और ये हमने चिकन क्यूब वाला मैदा डाल दिया, चिकन क्यूब वाला मैदा, हमने काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च हमने एक चम्मच सिरका डाल दिया, एक चम्मच सिरका का। अब बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे तो ये तैयार, तो ये तैयार हो जाएगी। ओके, अबू धाबी से कॉलर हम से बात करते हैं। इकरा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। इतने अरसे बात करती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम पापा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहे, खुश रहे, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने स्पेशली आपकी दुआएं लेने के लिए फोन किया, मेरे एग्जाम होने वाले, आप प्लीज मेरे लिए दुआ करना। हाँ नहीं, इंशाल्लाह बेटा, जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह मियां जरूर कामयाब करे। बहुत शौक से देखे हैं गुजार अंतर का, आपका रिजा जी का, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरी मामा ना टीवी के सामने बैठी हुई है और आपका शो सुन रही है। थैंक यू बेटा, उन्हें बहुत शुक्रिया कहना, बहुत शुक्रिया कहना। थैंक यू आपा, अभी आप बहुत अच्छी लगती है हम सबको, टोटली। और हम लाइक भी किए ऐसे तेज बात रहती है, कॉपी करते रहते हैं और हम भी ट्राई करती रहती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप खुद भी ट्राई करती हैं? मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ, अभी मेरे एग्जाम होने खत्म हो जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह मैं खुद ट्राई करूंगी जरूर जरूर। और इसके साथ साथ आप मुझे एक और बात बताएं, कौन से वैसे एग्जाम होने वाले हैं, आप क्या स्टडी करी? मेरे एग्जाम होने वाले हैं। ओ चलें, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह कामयाब होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपा की दुआएं भी मिल गई हैं साथ साथ। अच्छा देखो, ये चिकन के अंदर सारी चिलीज डाल दी हैं, जबरदस्त आपा। मैं वैसे इंतजार में थी, मैंने कभी थोड़ी देर में हम बनाएंगे एप्पल फ्राइड राइस। अब एप्पल फ्राइड राइस में करेंगे कि हम पहले तेल डालेंगे एक आधी प्याली, उसमें हम लहसुन ब्राउन करेंगे, फिर हम ये मुर्गी डाल देंगे, चिकन डालेंगे, इसको हम स्टर फ्राई करेंगे, जब ये सफ़ेद होने लगेगी फिर इसमें नमक, काली मिर्च, सिरका। अब इसमें सबसे पहले, अब ये ज़रा सा वो हो गया ना, तब इसमें हम तिल का तेल डाल दें, जो इसकी असली चीज़ है। अब एंड में जा रहा है तिल का तेल। ओके ठीक है, ठीक है। अब हम उसमें डाल के चिकन फ्राई करेंगे, फिर उसमें हम ये गाजर डालेंगे, उसके साथ फ्राई करेंगे, सोया सॉस, सिरका, चीनी, काली मिर्च सब डालेंगे, चावल डालेंगे। चावल डाल के जब चावल हो जाएंगे तो उसमें हम शिमला मिर्च मिलाएंगे ताकि वो ज़रा सी क्रंची रहे, और जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर पाइनएप्पल और हरी प्याज डालेंगे। क्या मज़े क्या बनेंगे ये पाइनएप्पल फ्राइड राइस, होए होए, बड़ी सारी चीज़ें डल रही पर बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, मिसेस ज़फ़र हैं कहाँ से? कराची से। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
ज़ुबैदा पर से बात हो सकती है? बिल्कुल कीजिए, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बोलो। अल्लाह का शुक्र। ज़ुबैदा भाई, एक बात पूछनी थी। मेरी नवासी है 11 महीने की जी, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, बाहर अमेरिका में होती है। अच्छा। वहाँ वो दवाई वगैरह तो कुछ नहीं देते हैं, दूसरे उसको जो भी खाती है वो उल्टी बहुत ज्यादा करती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन है तो उल्टियाँ तो होंगी जी, तो उसके लिए मुझे टोटका बता दें और एयर जवाब दीजिएगा, मैं टीवी के पास जाती हूँ। जी जी जी, जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़े सवाल में आपने, कहाँ से था टेलीफोन? ये तो कराची से, लेकिन वो जो है वो अमेरिका में है। अच्छा, लहसुन डाल दिया आपने वो जो फ्राई करने के लिए। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे, पहले चिकन डाल देंगे। अच्छा, उसके देखें, अब वो अमेरिका में रहती है, वहाँ मुझे नहीं मालूम मिलती नहीं मिलती, लेकिन कराची से कोई जाता हो तो आप फौरन ना थोड़ी सी हींग मंगवा के उसे अच्छी तरह लपेट के रैप करके सूटकेस के अंदर डलवा दें और बंद बिल्कुल, ताकि उसकी स्मेल कपड़ों में ना आए। उसके बाद आपने वो भिजवा दें और बच्ची से कहें कि अभी तो ये करें कि ज़रा सा ऑलिव ऑयल गरम करे और बच्ची के पेट पे लगा के नैपकिन से सिकाई करे और एक प्योर सिल्क का टुकड़ा घर में हो या बाज़ार से ले ले, आपने वो उसके पेट पे लपेट देना है। और 11 महीने की बच्ची है तो आप एक थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करके दूध में डाल के आप दूध पिला दें, उससे उसका पेट साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से आप हींग भिजवाएं, जब कभी उसकी प्रॉब्लम हो, नाप के ऊपर इतनी सी चुटकी से कम हींग लेते हैं, चमचे में गर्म पानी में घोलते हैं, बच्चे की नाप पे लगा के और सिकाई करते हैं, बच्चे का पेट ठीक हो जाता है। और उल्टियाँ रोकने के लिए उसको अभी फ़ोन करके कह दें कि फ़ौरन वो ये करे। फ़ौरन क्या करें, कवर अप कर दें थोड़ी देर के लिए ताकि उसने काम, उस फौरन काली पट्टी उल्टे हाथ पे बांध दें, ठीक है? और लिख लें, अभी लिख लें, कहें फौरन, हज़रत के दो बेटे नाम है उनके चार, ताहिर तैयब कासिम इब्राहिम। ये कहे, उल्टी रुक जाती है और ऑलिव ऑयल की सिकाई करें, पेट पर रख के ज़रा सा गरम लगाए और सिकाई करें, ऑलिव ऑयल दूध में डाल दें थोड़ी सी, सही हो जाएगी। पट्टी बांधे उल्टे हाथ पे स्याह, और हजरत के दो बेटे नाम है उनके चार, ताहिर तैयब कासिम इब्राहिम, उल्टी रुक जाती। क्या बात है, ज़बरदस्त, ये सही। अच्छा, ये वॉमिटिंग के लिए जो बता रहे हैं आप, बड़े भी कर लें, हाँ, बड़े अगर होती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छे छोटे से काम से आप देखें कि आप फ़ौरन से वॉमिट जो है ना, जो जितनी टेंशन दे रही होती। अच्छा जी, आप हम ब्रेक पर जा रहे हैं, चिकन फ्राई कर रही हैं आप, लहसुन ये हो गया, डाले थे हमने, अब इसमें हम सोया सॉस डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जा रहा है, 1 टेबल स्पून डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका, नमक हल्की चाय का, चिकन क्यूब वाला मैदा और काली मिर्च, और काली मिर्च, सूखी काली मिर्च, बस। ठीक है, ये इसके चिकन के अंदर जो थोड़े से मसाले सॉसेस जाने थे वो आपा ने डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा आपा जो ड्राई चिकन चिलीज बना उसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, अब इसमें से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना मज़े का लग रहा है ये सारा ज़बरदस्त मेन्यू। अच्छा, है गाजर भी डाल देते ताकि वक्त बच जाए। ठीक है, आपने गाजरें भी बिल्कुल बारीक चॉप हुई भी थी वो भी आपने डाल दी हैं, बस स्टोव फ्राई कर रहे हैं, मज़ीद आगे क्या करना है वो जानना है, फिर अभी पुडिंग की तरफ हम आएंगे वापस, क्योंकि कस्टर्ड उसका ठंडा हो चुका है, आगे क्या कर रहे हैं पुडिंग में, फिर ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का मज़ेदार ड्रिंक भी बनाना है वो, और साथ साथ आप लोगों ने सवाल का जवाब देना है, आपने बताना है कि जी केक का स्पंज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैदे की या बेसन की, क्या सही लगता है, 888-1 पर बताएं। और थोड़ी ही देर बाद यानी प्रोग्राम एंड करने से थोड़ी देर पहले ही ये गिफ्ट अनाउंस करेंगे, कौन है वो दो लकी विनर जो लेके जा रहे हैं ये प्राइजेस जो यहाँ पर रखे हैं वो आप ले जा सकते हैं, आपके घर पहुँच जाएंगे, और DVD प्लस मसाला गिफ्ट बॉक्स है, मैगजीन है, और 20 पॉइंट का एक के साथ है ब्लेंडर, एक के साथ है फूड प्रोसेसर, जो आप लोगों को मिल सकता है। आप जल्दी जल्दी अब SMS कीजिए, अब मजीद आगे क्या हो रहा है रेसिपीज में जानेंगे और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। अब सॉस पैन देख लूँ यहाँ ताकि मैं दूध गर्म कर लूँ।
तेल आधी प्याली, कॉर्नफ्लावर, तिल का तेल एक एक चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च एक चाय का चम्मच, चिकन क्यूब वाला मैदा एक खाने का चम्मच, चीनी दो चाय के चम्मच, सोया सॉस और सफेद सिरका तीन तीन खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका।